रोहित शर्मा छक्का फिर छक्का फिर चौका। मैंने कहा बेटा बंद कर दो मैच, इससे ज्यादा हम देख नहीं सकते, बस बस। इंडिया ने पाकिस्तान की बॉलिंग को एक्सपोज कर दिया। शुभमन गिल को जो हमने बच्चा समझा था वो देख लो, उन्होंने क्या बच्चे ने किया है, उन्हें डंडा ऐसा दिया ना शेन अफरीदी को, लग पता गया शेन। माए बहने ये दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह बारिश दे दे, वरना जो जरा पाकिस्तान है इन्हें 500 पै जाना जे। भाई वो जितना उन्होंने स्कोर कर दिया ना, उन्होंने अगला 300 तो अबव करना है, तो हमारे में इतना पानी नहीं है कि हम कर सकें। ये तो शुक्र कर बारिश हो गई, अगर बारिश ना होती इंडिया ने तो 500 कन्फर्म ही मारना था। ये कोई मैच खेलने का तरीका है यार। आज अगर बारिश ना होती तो जो होता हमारा वो सब देखते, तमाशा हमारा होता, और मतलब मैच हमने आना था, तमाशा सारे संसार ने देखना था। तो शोएब अख्तर कह रहे हैं कि यार आज पाकिस्तान को बारिश ने बचाया, इससे आगे क्या? शोएब अख्तर तो वहाँ ग्राउंड के अंदर मौजूद है कि आप ये देखें कि आज आपकी बॉलिंग कहाँ गई। आपके जो पहले 10 ओवर है उसमें आपकी ऐसी फेंटी लगी है, आपको समझ ही नहीं आई आपके साथ हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, इंडिया का आज पाकिस्तान की बॉलिंग को एक्सपोज किया है, रोहित शर्मा ने आज 56 की है, और शुभमन गिल जिसको हम कहते थे आईपीएल का बच्चा है, आज उसने 58 मार के प्रूव किया कि यार वो वाकई बड़ा बैट्समैन है। जैसे कि आपने बात किया, सबसे पहले मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शुभमन गिल की, जिसके हम आईपीएल का बच्चा कह के ट्रोल करते हैं, और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कहता है कि आईपीएल स्क्रिप्टेड होती है, उनके प्लेयर बाय नहीं चल सकते। तो आज मेरा उनसे ये सवाल भी है, और सबसे पहले तो इस पर बात करेंगे कि यार देखें 2 सितंबर पर जो मैच हुआ है, ईशान किशन वो भी आईपीएल का बच्चा था, उसने पाकिस्तान की बॉलिंग को पहले वहाँ पे उसने किया एक्सपोज, लेकिन हम नो डाउट हम थोड़ी बॉलिंग में अच्छे थे लेकिन वो कवर हो गया। आज का जो मैच हमने देखा है, रोहित शर्मा ने तो अपना आप बताया, उसने बताया वो इतनी बड़ी टीम का कैप्टन किस वजह से है, वो उसने अपनी फॉर्म दिखाई है और किस वजह से वो इस नंबर पर है, उसने ये बताया है कि रोहित और शुभमन जो है वो साइड पे हुए, ऊपर से विराट और केएल राहुल। अल्लाह यार ऐसा प्रेशर कौन डालता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब कि आज तो चांस ही नहीं था। हम लोग तो मतलब मेरे घर में पूरे हम लोग सारे फैमिली मेंबर्स ना, रात को हम लोग पूरी रात नहीं सोए भाई, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच, पूरी रात नहीं सोए। आज फाइनली बारिश हो गई, अल्लाह ने हम पे रहम किया, मतलब पहली दफ़ा बारिश इतनी अच्छी लगी है, मुझे कभी नहीं लगा था बारिश, ऐसा लग रहा था आसमान से डायरेक्ट रहमत आ रही है। अल्लाह की सपोर्ट, गैबी इमदाद का पता ही होगा आपको, गैबी इमदाद आई है आज पाकिस्तान के लिए। आज अगर बारिश ना होती तो जो होता हमारा वो सब देखते, तमाशा हमारा होता, और मतलब मैच हमने आना था, तमाशा सारे संसार ने देखना था। आपको किसने बताया पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन अच्छी है? सर पूरी दुनिया मानती है हमारी बॉलिंग लाइन नंबर वन। अच्छा पूरी दुनिया पागल है तो हम भी पागल हैं, हम तो पागल हैं ही ना, तो वो दुनिया को हमें बनाया ना। वो आज उन्होंने आपका वो बॉलिंग आपको बता दिया, बेटा आप इस जो ये कहा था आपकी, और आपने जो हमें पिछला जो किया वो तो हमारे से गलती हुई थी, तो आज उन्होंने जो है ना आपको जो हाल आपका कर दिया ना, आप माशाल्लाह इतना कुछ जाहिल किस्म का, आपने पहले तो कैप्टन रखा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ बॉलर कहाँ सेट करना है, उसे पता ही नहीं, इस बंदे को समझ नहीं आ रही कि यार किस तरह इससे सर्वाइव करेंगे। कल मैच हार गए हो आप, मैंने तो अभी घर वालों कह रहे मैं कह मैच हार गए हैं, तो मैं हारे हो आप, ये फजूल में आप मैच देखोगे, आप कल टाइम वेस्ट ना करो, अपना काम करो, मैच आप हारे हुए हो यार। बस ये तो पाकिस्तानी बॉलर है शादाब को कितना पड़ गए, और वो अरे रऊफ को, और इसके अलावा शहीन हमारा मेन बॉलर है उसको भी, मतलब ये तो शुक्र है बारिश हो गई यार, अगर बारिश ना होती तो हमारा पाकिस्तान तो चला गया। अल्लाह का शुक्र है यार बारिश हो गई यार, बारिश ना होती तो हमारा मैच हाथों से गया था। ये तो शुक्र कर बारिश हो गई, अगर बारिश ना होती इंडिया ने तो 500 कन्फर्म ही मारना था। ये कोई मैच खेलने का तरीका है यार। और दो सेकंड बात करें हम शुभमन गिल की, तो उसकी बात करें तो उसने बड़ी अच्छी बैटिंग दी है, बड़ी अच्छी बैटिंग लाइन थी इंडिया की, बड़ा अच्छा खेला उसने, बहुत अच्छा स्कोर किया है। सर अभी तो विराट कोहली तो ठीक है हमेशा की तरह लेजेंड है, हमें जो केएल राहुल है उनका भी अलग फेस नज़र आया, लेकिन उनका पाकिस्तानी बॉलर्स पे प्रेशर ही नहीं नज़र आ रहा था यार। भाई प्रेशर कैसे होता, आज वो पता कैसे आए थे, आज उन्हें पता था कि यार अगर हमने जाना है या तो आउट होकर बाहर आ जाएं, या फिर इनको 500 के जो है ना वो दिखा देंगे लाइन के, भाई आपने 500 तक जाना है। मैं आपको एक बात बताऊँ, जो उनका रोहित शर्मा है, आप वो देखें उसने गिल को कैसे खिलाया, वो बड़े आराम से उसने खुद अपने आप को संभाला, उसे कहा कि तू चल तू खेल जितना खेल सकता है, वो गिल खुल के खेला है, ऐसे ही है बात, ये नहीं है। सबको पता है कि जो इंडिया की बैटिंग है वो 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक बेस्ट है, सारी दुनिया को पता है। जैसे हम कहते हैं जी हमारी जो बॉलिंग है वो सबसे
बेस्ट है दुनिया के, लेकिन अब आपके सामने ये है कि आप ये देखें कि आज आपकी बॉलिंग कहाँ गई। आपके जो पहले 10 ओवर हैं उसमें आपकी ऐसी फेंटी लगी है, आपको समझ ही नहीं आई आपके साथ हुआ क्या। पहले तो वो बाबर आजम किस चीज़ का कैप्टन है, उस नलायक को ये ही नहीं पता चला कि भाई वही है इंडिया जो लास्ट टाइम खुद टॉस विन करके खुद ही खेलने आ गया। तू इतना, तेरे पास है कौन, इतना बड़ा प्लेयर कौन है, तेरे ही नाम आता है मार के जो टीम के अंदर के बाबर आजम के अलावा आप बता दें किसी का नाम आता है। चाचा ही हैं जिन पर डिपेंड कर सकते, चाचा चले या ना चले, लेकिन जैसे उनके रोहित शर्मा है, गिल है, कोहली है, आगे वो जडेजा है या दूसरा पांडे है, कोई भी आप नाम उठा के देख लें, ये पता होता है यार ये 50 करेगा, ठीक है ना, बस वो नहीं होता। लेकिन आपके पास अगर मैं आपसे पूछूं यार पाकिस्तान की टीम में कौन सा वो बैट्समैन ऐसा जो 50 या सेंचुरी करेगा, आपने भी मुझे ये कहना या बाबर आजम इसके अलावा कोई है ही नहीं है। तो भाई आप क्यों आगे उन्हें कह रहे हैं कि आप आके बैटिंग करो, आपको नहीं पता, या तो आपको ये पता था कि बारिश होनी है, पाकिस्तानी हाथ उठाएंगे दुआएं करेंगे कि बारिश हो जाए, वही काम हुआ, बारिश हो गई बस, मतलब कि बारिश ने बचाया आज भाई। हमें बिल्कुल शोएब अख्तर कह रहे हैं कि यार आज पाकिस्तान को बारिश ने बचाया, इससे आगे क्या, शोएब अख्तर तो वहाँ ग्राउंड के अंदर मौजूद है। शोएब अख्तर ने खुद आके मीडिया में कहा है कि पाकिस्तानी पिछले मैच में इंडिया को बारिश ने बचाया था, इस दफा तो पाकिस्तान की बहुत बचत हुई है भाई। ऐसे ही हर घर में आप देखें ना, माए बहने ये दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह बारिश दे दे, वरना जे जरा पाकिस्तान है 500 पै जाना जी, हिस्ट्री क्रिएट हो जानी थी पाकिस्तान पे, लग रहा है हिस्ट्री क्रिएट बिल्कुल हो जानी थी यार। देखे उन्होंने हमारी जो बॉलिंग बेस्ट ट्राई होती है, 10 ओवरों में ही उन्होंने शीशा दिखा दिया, उन्हें आईना दिखा के रख दिया कि यार ये आपकी बॉलिंग है। आज मैं सबसे पहले तो बॉलिंग पे बात करूंगा, हमारे शहनशाह अफरीदी जो हमारे स्विंग के मास्टर समझे जाते हैं, लेजेंड समझे जाते हैं पाकिस्तान में, आज उनकी बॉलिंग किधर थी नज़र नहीं आई, उनकी एक भी स्विंग नज़र नहीं आ रही, उनकी स्पीड नज़र नहीं आ रही। नसीम शाह की बॉलिंग फिर भी अच्छी थी। अगर पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, हमारी मिस फील्डिंग देखें आप कितनी थी, हमने कैच कितने छोड़े हैं, पीछे चाचा जी खड़े हैं, आगा सलमान खड़े हैं, वो कह रहे हैं उसका कैच है, वो कह रहे हैं उसका कैच है, दोनों ने ही नहीं किया यार, कोई तो कोशिश करता आप में से। शाहीन शाह अफरीदी ने चलो कोशिश तो की थी, कैच छूट गया है। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे भाई ने ही बात किया बाबर आजम की कैप्टेंसी की, सबसे पहले तो उन्हें ये रखना चाहिए कि वो अकले कुल नहीं है यार, सीनियर भी कोई चीज़ होते हैं। जब आपके सीनियर्स बैठे ये कह रहे हैं, एनालिस्ट बैठे ये कह रहे हैं, आपको टॉस जीत कर बैटिंग करनी चाहिए। जब उन्होंने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, कमेंटेटर ने भी उन्हें बोला कि यार आपके पैनलिस्ट जो बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी, तो वो कह रहे हैं यार इट डजेंट मैटर। ये बात मुझे उनकी बहुत बुरी लगी है, उनकी कैप्टेंसी में या उनमें थोड़ा सा खुमार आ गया शायद। लेकिन मैं एक बात करूँ आपसे, मुझे नहीं पता ये सच है कि क्या, लेकिन जो दिखता है वही करनी चाहिए। अब देखें ना, शहनशाह ने कैसे उसका कैच छोड़ा, मुझे तो ऐसा लगता है कि शहनशाह को अगर विकेट नहीं मिले तो उसने वो जान के कैच छोड़ा कि भाई अगर मुझे नहीं मिली तो तुझे भी ना मिले, ठीक है ना। बाबर आजम का भी यही काम होता है कि अगर इमाम उल हक बैटिंग करने आ जा रहा है, वो 50 बना रहा है ना, उसे पता चल जाता है कि यार ये मेरे से आगे जा रहा है, अगले मैच में वो उसे उठा के बेंच पे बिठा देगा। बाबर आजम का यही काम होता है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमें देखनी पड़ेंगी कि ये कहीं अपने लिए ही खेलते हैं या पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, मुझे तो नहीं लगता। आज देखें ना, वो एक आसान सा कैच जो उसने छोड़ा है, उसके बाद जो स्लिप में कैच उन्होंने छोड़ा है, तीन बंदे आपके पास हैं, तीनों में से एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, जिसमें वो स्ट्रेट ड्रामा नहीं लगा होता कि जुगत मार रहे हैं, वो ऐसे देख रहे थे। चलिए ये बातें एक साइड पे, हम कल के लिए बात करते हैं, कल पाकिस्तान कितना स्ट्रॉन्ग हो के आएगा। लाइक देखें, इंडिया पूरी तैयारी के साथ आया था पाकिस्तानी बॉलर्स को फेस करने, आज की है, कल हम क्या तैयारी करेंगे, हम क्या उनके बॉलर्स की तैयारी कर लेंगे, हम उनकी बैटिंग को आउट करने की तैयारी कर लेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता भाई जान। अगर वो आज अच्छा खेल गए हैं ना, तो कल वो इससे डबल फेंडी लगेगी पाकिस्तान को, ये आप याद रखिएगा। आप क्या मानते हैं यार? मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगा, यू कांट इवन इमेजिन, आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते आप उन्हें फेस कर लेंगे, जैसे इंडिया की तैयारी करके आई है, जैसा उन्होंने प्रेशर शुरू में ही डाल दिया। पाकिस्तानी बॉलर का भी इतना कैलिबर नहीं है, नो डाउट वो बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन इतना कैलिबर नहीं है कि वो इंडिया के ऐसे प्रेशर को भी चेस कर सकें, संभाल सकें या उसे फेस कर सकें। इंडिया एशिया कप के अभी जितने पाकिस्तान के मैच हुए हैं, किसी टीम को उन्होंने कंप्लीट वो 50 ओवर्स का नहीं भी मैच होने दिया, सबको 50 ओवर से पहले ही आउट किया। लेकिन आज क्या हुआ कि 10 ओवर हो गए आपको, आपके जो आ रहा है छक्के चौके फेंटी लग रही है, और आपको पता नहीं है कैप्टन वो नलायक इंसान है कि एक ओवर में शदाब खान को 19 स्कोर पड़ गया, दोबारा से उठा के उसको दोबारा ले आया कि आ भाई तू आ जा, तो ये कह के भाई वो आप रिकॉर्ड किसी और चीज़ में अपने बनाने जा रहे थे, इस वजह से आपको शौक था कि यार इनके पिछले मैचों में पिटाई नहीं हुई। मैं तो वेट कर रहा था शायद हमें विकेट नहीं मिली थी तो हम इफ्तिखार अहमद आगा था यार, उनमें से किसी को करवा लेता, फहीम को ले आता, क्यों नहीं वो लेके भाई, वो जितना उन्होंने स्कोर कर दिया ना, उन्होंने अगला 300 से अबव करना है, तो हमारे में इतना पानी नहीं है कि हम कर सकें।
इंडिया ने पाकिस्तान की बॉलिंग को एक्सपोज कर दी है। और आप जो बॉलिंग करते थे ना, उन्होंने आज आपको दिखा दी, बेटा आप कुछ भी नहीं हो, ये प्रेशर हम नहीं लेते, आप हमारे बच्चे हो। हमने वो शुभमन गिल को जो हमने बच्चा समझा था, वो देख लो उन्होंने क्या बच्चे ने किया है, उन्हें डंडा ऐसा दिया ना शेन अफरीदी को, लग पता गया शेन अफरीदी को। सेल्फ रिस्पेक्ट, आप कैसे सवाल पूछ सकते हैं? पाकिस्तान इंडिया का मैच हो गया, बारिश हो गई, ये हो गया, वो हो गया, आप खुद सोचे पहले 10 ओवर में रिजल्ट आ गया था, उस पर बात करना बनता नहीं है। देखो रोहित ऐसे उसने छक्के मारे हैं ना, पाकिस्तान के छक्के छूट गए, बॉलर्स तो सारे के सारे। अच्छा शाहीन का जब कैच पकड़ने लगा उसके हाथ में इंजरी हो गई, वो तो वैसे ही अंदर चला गया ना, उसके बाद तो हमारी सारी उम्मीदें वैसे ही नीचे बैठ गई जमीन के ऊपर, मतलब कि आलती पालती मार के बैठ गई कि अब कुछ नहीं हो सकता बेटा। और जैसे वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जाता हुआ नजर आया, हम लोगों ने कहा बस बेटा अब तो आज तो हम लोग गए। जो शाहीन जो जिसके पीछे हम लोग पूरी क्रिकेट टीम हमारी खड़ी हुई है, और जो मतलब हमारा ऑल द टाइम जो है हमारा पेसर सबसे बेस्ट रहा है, वही बंदा जो है ना वो बैठ गया। उसके बाद हुआ क्या, सबसे मजे की बात ये हुई, रोहित शर्मा छक्का फिर छक्का फिर चौका। मैंने कहा बेटा बंद कर दो मैच, इससे ज़्यादा हम देख नहीं सकते, बस हो गई हमारी। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज, उसके बाद हुआ ये शुभमन गिल, आईपीएल के बच्चे हैं ये, तो आईपीएल के बच्चे खेलने आ गए, इंटरनेशनल कहाँ इनसे संभाला जाएगा, ये प्रेशर नहीं संभाल सकते। ये हमारी पाकिस्तानी आवाम जो कि हमारी पाकिस्तानी टीम का मोराल इतना अप कर देते हैं कि जब असल मैच होता है ना तो हम लोग शक्लें देख रहे थे एक दूसरे की, कि वो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं बाद में शक्ल नज़र नहीं आती उनकी यहाँ पर। हम लोगों को क्या, हमारा मसला ही यही है यार, हम लोगों ने ना कहना है कि भाई हम लोग सबसे आगे हैं, नंबर वन ओडीआई टीम, नंबर वन ओडीआई बैट्समैन, ये वो कॉन्फिडेंट हो गए हैं, वर्ल्ड क्लास बैट बॉलिंग है हमारी। देख लो पहले 10 ओवर में शक्ल नजर आई थी ना आईने के अंदर, ऐसे बड़ी करके बड़ी स्क्रीन पे हमने देखा है कि हम लोग किस तरह से रोल रहे थे। हम जब तक अपने लिए खेलेंगे तब तक इसी तरह के रिजल्ट मिलेंगे, जब हम पाकिस्तान के लिए खेलेंगे ना, इन मैं अब क्या कहूँ, मेरे मुंह में ऐसा लफ्ज आ रहा है कि मैं कहना नहीं चाह रहा, इनको पता ही नहीं है कि इनके पीछे कितनी दुआएं होती हैं, किस तरह ये अपने आप को तो ये 15-16 लोगों की टीम बना के कहते हैं जी हम ये हैं, लेकिन नहीं भाई, आपके पीछे 25 करोड़ की दिल होते हैं जो आपको देख रहे होते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ा मैच ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, किसी से भी कहें यार फखर जमान जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया का बड़े मैच का प्लेयर है, और भाई वो चलता तो है नहीं है, कहाँ चलता है वो, मुझे बताएं, लास्ट जो मैच हुआ उसमें भी नहीं चला, उसकी जगह आप क्यों नहीं अब्दुल्ला शफी को खिलाते, सरफराज को क्यों नहीं लेके जाते, रिजवान की बात कर रहे हैं, रिजवान के 15-16 जो लास्ट वो मैच खेला है उसमें मुझे ये बताएं कि वो पिच पे कितनी दफ़ा गिरा है, जाके कितनी दफ़ा गिरा है।